हम हमेशा अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं कि हमें किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़े। हमारी जिंदगी में जब भी कोई संकट आता है तो हम में से अधिकांश लोग इस संकट से इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। हम यह सोचते हैं कि संकट में घिर जाना एक तरह से हमारी जिंदगी का अंत है, मगर इस दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संकट को ही अवसर बना लिया है और संकट को मौके में तब्दील करने का एक ऐसा ही उदाहरण है विली जाली की किताब संकट सफलता की नींव, जिसे पढ़ने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि संकट आपकी जिंदगी को किस तरह से एक नई दिशा दे सकता है। और साथ ही यह ऑडियो बुक समरी सुनने के बाद आप यह जानेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई संकट आया है तो संकट को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। विली जाली, जो कि एक बड़े ही मशहूर वक्ता, एंकर और गायक है, उन्होंने अपनी किताब संकट सफलता की नींव लिखी है। अपनी इस किताब में विली जाली ने खुद अपना उदाहरण देते हुए बताया है कि संकट कोई एक चीज नहीं है जिसके सामने हमें घुटने टेक देने चाहिए, बल्कि संकट हमारी और आपकी जिंदगी के लिए एक वरदान की तरह है, जिसे यदि भूल लिया जाए तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। करना बस इतना है कि संकट के आगे नतमस्तक नहीं होना है, अपितु संकट से अपने इरादों को और मजबूत बनाकर अपने लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करना है जिस पर आगे चलकर हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। विली जाली ने अपनी इस किताब में खुद के अलावा और कई मशहूर हस्तियों का उदाहरण दिया है जिन्होंने संकट में ही अपनी सफलता का राज ढूंढ लिया है। विली जाली ने अपनी इस किताब में आज की तारीख में बुलंदियों को छू रहे उन हस्तियों की रियल लाइफ की कहानियां बताई हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको यह एहसास होगा कि संकट जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। संकट सफलता की नींव बाय विली जाली को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ शुरुआत विली जाली की जिंदगी से जुड़ी हुई एक घटना से होती है। विली जाली एक जैज गायक हुआ करते थे और वाशिंगटन डीसी में एक न्यूज रूम में कैफे में अपना शो किया करते हैं। वे इतना अच्छा गाते थे कि उनकी वजह से कैफे में होने वाले शो को सुपरहिट हो जाते थे और हाउसफुल रहते थे। इतनी अच्छी तरीके से गाने के बावजूद और वाशिंगटन डीसी में गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 3 बार जीत लेने के बाद भी विली जाली की जिंदगी में एक रात ऐसा वक्त आया जब उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। विली जाली तो यह उम्मीद कर रहे थे कि इस कार्यक्रम की सफलता के बाद और दर्शकों की तरफ से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने से उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बदले उनके साथ अपोजिट हुआ। कैफे के मालिक ने उन्हें बुलाकर यह कह दिया कि वे अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या घटाने जा रहे हैं और वे कराओके मशीन लेकर आ रहे हैं। विली जाली की जिंदगी में यह एक बड़ा संकट था, लेकिन ऐसा होने से उनका खर्च चलना मुश्किल हो जाता। विली जाली के जीवन में आए इस संकट की वजह से कुछ वक्त के लिए वो हताश हो गए थे, वे बहुत ही उदास हो गए थे। सबसे पहले तो उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्लब को इतनी पॉपुलैरिटी और इतना ज्यादा प्रॉफिट होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी से हटाकर उनकी जगह एक अराओके मशीन लगाई जा रही है। फिर भी विली जॉली ने उस वक्त यह सोच लिया था कि अपनी जिंदगी उन्हें खुद बदलनी है, इस संकट को एक अवसर के रूप में बदल कर अब कुछ ऐसा करना है जो उसकी जिंदगी की सूरत ही बदल कर रख दे। अपनी इस किताब में विली जाली ने इसी घटना के परिपेक्ष में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है कि हम अपनी जिंदगी के किस्मत के अच्छे होने का इंतजार करते रह जाते हैं और इस चक्कर में हम सफलता का स्वाद नहीं चख पाते हैं, लेकिन यदि अपनी खुद किस्मती की डेफिनेशन हम खुद बना लें और किसी के द्वारा अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसके द्वारा मौके दिए जाने का इंतजार करने की बजाय यदि हम अवसरों को खुद से बनाना शुरू कर दें तो फिर कामयाबी झक मार कर हमारी झोली में आकर गिननी शुरू हो जाती है। विली जाली ने संकट से प्रेरणा पाकर यहीं से अपनी जिंदगी की तकदीर खुद से लिखने की शुरुआत की, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि आज विली जाली पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशनल बन गए हैं। विली जाली के बस फैसला लेने भर की देर थी, उन्होंने अपने प्लान्स पर अमल करना शुरू भी कर दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने एक कॉलेज में काउंसलर की नौकरी पकड़कर वहाँ उन स्टूडेंट को पढ़ाई पूरी कराने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया जो कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल में बच्चों को गंदी आदतों से दूर रहने के लिए स्पीच देकर उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया। इससे उनकी पहचान एक स्पीकर के रूप में बनने लगी और उन्हें बहुत से स्कूलों और कॉलेजों के साथ कंपनियों से भी स्पीच देने के लिए ऑफर मिलने शुरू हो गए। यह सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उन्हें मोटिवेशनल एंड म्यूजिक टूर का हिस्सा बनने का अवसर मिल गया। विली जाली न केवल मोटिवेशनल स्पीच देते थे बल्कि बहुत ही सुंदर गाते भी थे। धीरे धीरे विली जाली के प्रयासों से उन्हें रेडियो और टेलीविजन तक पहुंचा दिया। साथ ही उनकी बुक्स
और रिकॉर्डिंग भी सामने आने लगी। इस तरह से वह एक जानी मानी हस्ती बन गए। और साथ ही ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि भले ही आपकी जिंदगी में कोई समस्या क्यों ना आ जाए जो कि पूरी तरह से आपको हिलाकर रख दे, या फिर आपकी जिंदगी में आपको कोई ऐसी चीज क्यों ना खोनी पड़े जो कि आपको सबसे प्यारी थी, आपको इन सिचुएशंस को एक कभी न समाप्त होने वाले संकट के रूप में न देखकर उन्हें एक नई उम्मीद भरी राह लेकर आने वाले संकट के रूप में देखना चाहिए। अपने एफर्ट्स के दम पर अपनी लक की तस्वीर खुद से बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, संकट सफलता की नींव ऑडियो बुक सुनने के बाद हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आपने भी कभी न कभी अपनी जिंदगी में किसी संकट का सामना जरूर किया होगा या फिर कर रहे होंगे। इन संकटों को अवसर में बदल कर अपने लिए एक स्वर्णिम जीवन कैसे बनाना है, ये सारी चीजें, साथ ही आप अपनी जिंदगी में संकट से डरने की बजाय जिस दिन आप यह निर्णय लेते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे और अपना काम करना शुरू कर देते हैं, उसी मिनट से आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। और साथ ही यह पुस्तक हमें बताती है कि आप अपने संकट को सफलताओं में कैसे बदल सकते हैं, आप विरोध और विपत्ति के बावजूद कैसे जीत सकते हैं, आप अपने जीवन के दर्द को अपनी शक्ति में कैसे बदल सकते हैं, आप संकट को एक मुसीबत के तौर पर नहीं एक अवसर की तौर पर देखें। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी संकट जरूर आता है, चाहे फिर वो संकट पैसों का हो, बीमारी का हो, या फिर वो बार बार किसी काम को करने के बाद भी असफल हो रहा हो, लेकिन उसे कभी भी हार नहीं माननी है। उसे अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।